कोई रोको ना इनको ये सूरज से मिलने को निकली कोई टोको ना ये तो खुद अपनी मंजिल है तुझे तुम्हारी बात क्या है? ये रंग पे बहुत 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 सूट कर रहा है। अब मिस इंडिया से भी अच्छी लग रही है। सच्ची? अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट बस, हम कुछ भूल गए, अभी लाते। आपके लिए नकुल भैया ने दिया है। नकुल भैया ने किस लिए? हाँ हमने भी उनसे पूछा तो कहने लगी कि दादी नहीं है और आप अपने मायके जा रही हैं इतने खास अवसर पे, इसीलिए। और हम जानते हैं वो हमसे कहते नहीं है लेकिन हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। लीजिए पहनिए ना, ये लीजिए, कान में पहनते हैं, पहन लीजिए। तुझे हम आपको बता नहीं सकते कि हम कितने कितने खुश हैं। आपके और नकुल भैया के बीच में जो अनबन थी उसे देख के हमें बहुत तकलीफ होती थी, सच्ची। और देखिए ना सब कुछ ठीक हो गया। आज आंटी जी भी घर आई, भैया ने उनको भी माफ कर दिया और आपके मायके में भी तो सब कुछ ठीक हो रहा है। आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है, माता रानी सब कुछ ठीक कर देती। अरे ये तो रही गया, हम पहना देते। क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। सुंदर लग रही, जस्ट लाइक अ प्रिंसेस। और चले आराम, कैसे लग रहे? प्रिंस
Prince. चलिए चलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। चलिए। क्यों क्यों हो गया बच्चा? रुक गया है? बस इतनी गर्मी थी खून में। मैं तेरी बीवी के पास नहीं गया था, वो खुद चलकर आई थी मेरे पास। सुना तूने? तेरी बीवी चल के आई थी मेरे पास। सबको बताऊं? इस बार से मुझे हाथ नहीं आई। कोई बात नहीं, चिंता मत कर, और बड़े मौके आएंगे। अबे तुझ जैसे बच्चे से थोड़ी शादी करनी चाहिए थी उसको। उसे तो मुझ गबरू जवान के साथ होना चाहिए था। अब देख सिमी जी के साथ तो मैं आ, आ, आ। मैं तेरी बीवी के पास नहीं गया था, वो खुद चलकर आई थी मेरे पास। अबे तुझ जैसे बच्चे से थोड़ी शादी करनी चाहिए थी उसको। उसे तो मुझ गबरू जवान के साथ होना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, ये साला पता नहीं मुझे क्यों मार रहा था चाकू से। दरअसल इसके साथ वाला घर मैंने ले लिया है, तो बस उस प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझे अपनी जान से हाथ धो। ले जाओ इसको अंदर के साले को।
जय माता दी। आप लोग आना, अंदर आइए। ओमी जी, आनी तू बैठ। आइए ओमी जी, बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। बैठिए ओमी जी। सब लोग कहाँ हैं? माँ पापा जी बस अभी अभी निकले हैं, और भाई तो शाम से तैयारियों में बिजी हैं। और सिमी दी और अभी? सिमी दी और अभी के बीच में पता नहीं कौन सी बात पे लड़ाई हो गई है, और अभी न जाने कहाँ चला गया। लड़ाई भी अल्लाह की किसी बात पे हुई है। दी बस अभी 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 को ढूंढने गई है। पहले बता देती, हम लोग सीधा पंडाल ही चले जाते। नीतू कैसी बातें कर रही है तू? दी परेशान है। तो मेरी वजह से तो नहीं है ना? दी और अभी ने आज तक तेरे लिए कितना कुछ किया है, तेरे को जरा भी एहसास है इस बात का? पता, आज माता की चौकी में सिमिति चाहती है कि तू और ओमी जी माता की जोत जलाएं। क्यों? क्यों? यही सवाल मैं हमेशा सिमिति से पूछती रहती हूँ। क्यों करती है वो सबके लिए इतना सब कुछ? तू जानती है दी और अभी के बीच में लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने इस घर में सबसे ये बात छुपाई कि पिछले हफ्ते राजीव खन्ना ने इस घर के बदले दी को अपने साथ एक रात बिताने के लिए कहा। तो जानती है दी ने किसी को ये बात क्यों नहीं बताई? ताकि माँ और बेचैन ना हो, पापा जी को और तकलीफ ना हो, अभी कहीं गुस्से में आके कोई ऐसा वैसा काम ना कर बैठे। भाई वैसे ही अपनी बीवी और अपनी नौकरी को लेके परेशान है कहीं वो। खैर छोड़, उस दो कौड़ी के इंसान की वजह से दीन इतनी बेइज्जती खुद अकेले सही, किसी को बताए बिना। हमारी जिम्मेदारी ऐसी है नीतू। क्यों करती है दी इतना सब सबके लिए? क्यों किस लिए, ये सारे सवाल जिम्मेदारी नहीं सोचती है। वो इस घर में माता का प्रसाद है, ये माता रानी को संभाल लेना। भाई साहब ने अपने हाथ से मुझे आशीर्वाद दिया है, नजर ना लग जाए कहीं, कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो सच्ची में बहुत खुशी हो रही है। भाभी जी, वैसे आप कहाँ थी अभी तक? सभी लोग बारी बारी मुझसे पूछ चुके हैं आप कहाँ हो, सिमी कहाँ है। पर अभी और सिमी है कहाँ जी? वो जी जोत तो उन्होंने ही जलानी है। हाँ जी, वो बस आते ही होंगे। वो सिमी कह रही थी कि जोत नीतू और ओमी जला लेंगे। चौकी तो अभी और सिमी के नाम की रखी है। वैसे एक बात है, दरबार तो खूब अच्छा सजाया है भाभी जी। भाभी जी, इतने पैसे कहाँ से आए वैसे? वो दरअसल सिमी ने कॉलेज से कुछ एडवांस ले लिया था, और फिर माता रानी की कृपा से अभी की भी नौकरी लग गई है, तो बस सब माता रानी की कृपा से ही हो रहा है। देखा जी, मैं आपसे कह रही थी ना कि सिमी हमारे घर की बेटी नहीं बेटा है। जी पर वो हमारा बेटा है कहाँ, और अभी भी नहीं है? जी वो तो तैयार होने में इतनी देर भी नहीं लगाता, बहुत ही बढ़िया बंदा है जी, एकदम मस्त। हाँ वो बस आते ही होगा। पर भाभी जी, नीतू और ओमी कहाँ है?
उनको बुलाना तो नहीं भूल गए कहीं आप? हाँ बिल्कुल, मैं खुद गई थी नीतू के ससुराल उसे बुलाने के लिए, वो लोग आते ही होंगे। क्या हुआ दी? अभी मिला क्या? अभी घर भी नहीं आया, आप चुप क्यों हो? दी सिमी दी, क्या हुआ वहां पे? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? वो नहीं आएगा। नहीं आएगा क्या मतलब? क्यों क्यों नहीं आएगा वो? पुलिस ने अभी को अरेस्ट कर लिया मिली। अल्लाह को मारने की कोशिश की, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी अभी ऐसा नहीं कर सकता। दीप ये जरूर भला की चाल है, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है मिली। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ ना। ठीक है, हम सब लोग चलकर अभी को छुड़ा कर लेकर आएंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम अभी को जरूर छुड़ाएंगे। चलो अम्मी जी, चल नहीं तो। तू खड़ी क्यों है? चल ना। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी तुझे समझ नहीं आया? तू अब भी दी को नहीं समझी? ठीक, तू नहीं चलना चाहती ना तो मत चल। रिहाने या नहाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। चलो सिमी दी। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। माता की बहुत बहुत बधाई हो। मंजू जी कैसी हैं? चले तो बहुत 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 शुक्रिया, आप आई। धन्यवाद धन्यवाद, आप आ गई बस दिल खुश हो गया। शुक्रिया तो मैं आपका अदा करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया इतनी सुंदर मौके पर, और सबसे ज़्यादा खुशी सेठी परिवार ने माँ की चौकी रखवाई है, और जहाँ भक्तों के लिए इस तरह के गुणगान रखवाए जाते हैं वहाँ ऋचा हमेशा आती हैं और हमेशा आएंगी। चले मंजू जी, वो कहाँ है जिनके लिए ये आपने चौकी रखवाई है, माँ को बुलाया है, आपकी बिटिया रानी और दामाद जी?